देहरादून से बड़ी खबर का, जहां पर अफसर विवाद में आज जांच की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बता दें मुख्य सचिव को ACS मनीषा पवार सौंप सकते हैं अपनी ये जांच रिपोर्ट। अपर सचिव भी शणमुगन मामले में बता दें कि जांच चल रही है। अपर सचिव पर प्रोटोकॉल की अनदेखी के आरोप लगे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने ये आरोप लगाए और सीएम की दखल के बाद मुख्य सचिव ने जांच बिठाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर सीएम की दखल हुई और उसके बाद जांच को बिठाया गया और उसी में जांच की जो आज रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है मुख्य सचिव को। ACS अपनी ये जांच रिपोर्ट सौंप सकते हैं। और अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मामला एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मामला था क्या, और जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या इस पर ये निश्चित की कार्रवाई तय है? बिल्कुल रितु, ये बड़ा घटनाक्रम लगभग एक माह पहले सरकार और शासन के अधिकारियों के बीच देखने को मिला, जब जो महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं रेखा आर्या, राज्य मंत्री का इन पर दर्जा प्राप्त है और इन्हीं के अधीन विभाग में भी षणमुगम निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो राज्य मंत्री की तरफ से एक FIR पुलिस में दिखाई जाती है कि वी षणमुगम विभाग से लापता चल रहे हैं, वो गायब हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, इस पता पुलिस शिकायत। और दो दिन बाद ही विनीत षणमुगम सामने आ गए, तो शासन और सरकार के बीच की जो तकरार थी वो पुलिस के माध्यम से खुलकर सामने आई। और राज्य मंत्री रेखा आर्या के साथ तौर पर कहना था कि वी षणमुगम है विभाग के निदेशक हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की जानकारी विभागीय मंत्री को नहीं देते हैं। अगर वो विभाग से गायब होते हैं या कहीं और जाना होता है तो इसकी कोई जानकारी विभागीय मंत्री को नहीं होती। इसके बाद ही उन्होंने पुलिस के माध्यम से इनकी ढूंढ शुरू करवाई। तो अब जब ये विभागीय मामला काफी तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खुद बीच में आना पड़ा और ACS मनीषा पवार के माध्यम से इसको जांच सौंपी गई। लगभग एक हफ्ता का समय दिया गया था इसमें जांच को लेकर, लेकिन अब जब एक माह से ऊपर का समय हो चुका है तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज ACS मनीषा पवार मुख्य सचिव ओम प्रकाश को रिपोर्ट सौंप सकती है कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ होना है। लेकिन वी षणमुगम अब विभाग से बाहर कर दिए गए हैं, विभाग उन्होंने छोड़ दिया है और जो नई जिम्मेदारी नए अधिकारियों को दी गई है उन्होंने भी अभी तक चार्ज नहीं दिया है। तो इसमें साफ समझा जा सकता है कि अधिकारियों के बीच में जो खींचतान है वो कर सामने आने लगी है और राज्य मंत्री रेखा आर्या के जो अधीन विभाग हैं उसमें कोई भी विभाग का अधिकारी दिलचस्पी नहीं देता काम करने को लेकर। अब इसमें क्या कुछ चल रहा है सरकार और शासन के बीच में, इसका इंतजार होगा। फिलहाल इतना तय है कि आज जब ACS मनीषा पवार अगर रिपोर्ट सौंपती है तो रिपोर्ट में किन बातों को रखा गया है, किन मुद्दों को उठाया गया है, इसका भी इंतजार रहेगा। चलिए धन्यवाद आपका जीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।